हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अजयपाल सिंह नेगी फ्रॉम गवर्नमेंट मॉडल स्कूल ललोटना जौनपुर टीडी गढ़वाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ यूनिट 10, हु विल बी निंगथू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड। आई होप दैट यू विल एंजॉय द वीडियो, सो लेट्स बिगिन। क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड, यूनिट 10, Who will be Ningthu is the name of the chapter written by Indira Mukherjee. The points which we are going to discuss, the practices which are given at the end of the chapter, and the questions given in the textbook, and difficult words wheresoever we will see or find that there is any explanation required. So the difficult words will also be discussed, which have come in the chapter. Here is the first exercise. Reading is fun. Question number 1. Name the place in Manipur where the Ningthu and Lima ruled. So the place was Kangli Pak. So name of the place was Kangli Pak. So this was the place where Ningthu and Lima ruled. Question number 2. Why did the people of Kangli Pak love their king and queen? People of Kangli Pak loved their king and queen because they also loved and respect them. कहने का मतलब यह है कि कैंगली पैक के लोग अपने राजा और रानी को क्यों पसंद करते थे? तो वो इसलिए उनको पसंद करते थे, उनको प्यार करते थे, क्योंकि जो क्वीन और जो किंग था वो भी अपने लोगों को प्यार करता था और उनको रिस्पेक्ट करते थे। तो एक कहावत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, गिव लव एंड टेक लव। तो राजा और रानी भी लोगों को पसंद करते थे और लोग भी उनको पसंद करते थे, है ना? तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द Ningthu वांट टू चूज अ फ्यूचर किंग? Ningthu यानी जो राजा थे वो क्यों चूज करना चाहते थे, चुनना चाहते थे फ्यूचर, भविष्य के किंग को? तो जैसा कि आपको पता है कि राजा अब बूढ़े हो रहे थे, सो उन्होंने सोचा कि फ्यूचर के किंग को घोषित कर दिया जाए। तो 3 उनके बेटे थे, एक उनकी बेटी थी, है ना? तो उन्होंने कहा कि हमें चूज करना है, तो दैट्स व्हाई, दैट वाज द रीजन। सो Ningthu वांटेड, आंसर हो जाएगा Ningthu वांटेड, चाहते थे टू चूज अ फ्यूचर किंग और रूलर, हम यहां पे कह सकते हैं किंग की जगह पे रूलर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। बिकॉज ही वॉज getting old, वो बूढ़े हो रहे थे, और जैसा कि ये कुदरत का तकाजा है कि सभी ने एक दिन बूढ़ा होना है, और क्योंकि ये mortal word है, कैसा word है? mortal, mortal, mortal word है, और सभी ने एक दिन यहां से जाना है विदा होकर के। तो
बूढ़ा होकर के, तो राजा भी बूढ़े हो रहे थे एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर हिम टू चूज अ किंग। इसलिए जो है उन्होंने सोचा कि अब नए राजा की घोषणा की जाए। हाउ डिड द किंग वॉन्ट टू सेलेक्ट देयर फ्यूचर किंग? तो वो क्या चाहते थे, कॉन्टेस्ट हो, उस कॉन्टेस्ट के आधार पर जो सबसे बेहतर करेगा हम उसके कॉन्टेस्ट के आधार पर डिसाइड करेंगे कि किसको बनाया जाए जो कॉन्टेस्ट को जीतेगा। तो किंग वॉन्टेड टू चूज या टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग by holding a contest and the winner of the contest will be the future king. तो जो विनर होगा वो जीतेगा। What kind of child was Sanatombi? Sanatombi जो बालिका थी king की, वो कैसी चाइल्ड थी, कैसी बच्ची थी? तो जैसे कि आपको पता है वो ब्यूटीफुल थी, काइंड हार्टेड थी, सभी को प्यार करती थी, इंसानों को भी, जानवरों को भी, पशु पक्षियों को भी, ट्रीज को भी। सो सनातोम्बी वाज अ काइंड हार्टेड दयालु दिल की ब्यूटीफुल गर्ल हू यूज्ड टू लव द पीपल बर्ड्स एनिमल्स as well as trees। तो सभी जितने भी क्रिएचर्स थे, प्राणी थे, सभी को वो प्रेम करती थी, उसके दिल में सभी के लिए समान जगह थी। तो सभी को ये सोचती थी कि ये जिंदा चीजें हैं और इनकी। क्वेश्चन नंबर 6, हैव यू एवर सीन एन एनिमल और ए बर्ड इन पेन? पेन का मतलब होता दुख। क्या आपने कभी किसी एनिमल को या किसी चिड़िया को दुखी देखा, पेन में देखा? व्हाट डिड यू डू? तो आपने क्या किया? ये आपके लिए खुद करने के लिए है। आपके अलग अलग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, है ना। घर में आप लोगों के जानवर हो सकते हैं, डॉग है, कैट है ना, बर्ड्स हैं, और कई लोगों के घर में बफेलो होंगी जिसे मिल्क लेते होंगे, काव होगी, ऑक्स होंगे, हॉर्स भी हो सकते हैं, है ना, पोनीज हो सकते हैं, इवन डोंकी भी होते हैं कई लोगों के घर में, है ना, सामान बोझा उठाने के लिए। तो आपने देखा होगा, आपने अगल बगल बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं, कई बार उनके बच्चे गिर जाते हैं, आपने हेल्प करने की कोशिश की होगी, क्योंकि आप सभी आई होप कि आप सनातोम्बी की तरह क्या है, आप भी काइंड हार्टेड हैं की होगी। तो ये वाला क्वेश्चन आप स्वयं करेंगे, राइट? ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स लिसन एंड टॉक, ये है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज। लेट्स लिसन एंड टॉक, लिसन का मतलब सुनना और बातें करना, टॉक मतलब बातें करना। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया? इंडिया के मैप में मणिपुर कहाँ है? तो मणिपुर कहाँ है? मणिपुर है आपका नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हम देख लेते हैं इनका, आप देखें तो जो है, देखिए असम है, अरुणाचल है, अरुणाचल प्रदेश, राइट, मणिपुर, मेघालय हो गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम,
नागालैंड एंड त्रिपुरा। अभी आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट घूमने का मौका मिले, आरे TRIPURA त्रिपुरा, तो कभी नॉर्थ ईस्ट घूमने का मौका मिले तो नॉर्थ ईस्ट के इन स्टेट्स को जाइएगा। इन सेवन स्टेट्स को बोलते हैं सेवन सिस्टर्स, इनको सेवन सिस्टरली स्टेट्स भी बोलते हैं, सेवन सिस्टरली स्टेट्स यानी सात बहने, और इनका एक भाई है जिसको हम बोलते हैं सिक्किम, सिक्किम। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, उत्तर पूर्वी भारत, जहां पे हमारा मणिपुर है, मणिपुर की एक कहानी है, और इन राज्यों का नाम और इनकी राजधानी आप जरूर याद करें, ठीक है। तो वेयर इज मणिपुर ऑन द मैप ऑफ इंडिया, तो हमने कहा नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट को कैसे डिफाइन करेंगे मैं आपको दिखाता हूं। सपोज दिस इज द मैप, ये हमारा ईस्ट हो गया, ईस्ट यानी पूरब, ये हो गया वेस्ट यानी पश्चिम, ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ यानी दक्षिण। तो कहा भी जाता है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चार दिशाएं होती हैं, तो ये ईस्ट और ये है नॉर्थ, और इसके बीच वाला जो पोर्शन हो गया दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट। और अगर हम इधर की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, ठीक है। ये आपका फिर ये वाला पोर्शन है जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है, तो ये वाला कौन सा एरिया हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और इधर वाला जो है डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो ये हो जाएगा साउथ वेस्ट। तो हमारे पास जो है चार और चार आठ दिशाएं हो गई, राइट। तो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है इंडिया का वो इस साइड में, सपोज ये इंडिया का मैप है यहां पे बना हुआ, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में है ये कौन, मणिपुर। सो दिस इज द आंसर विल बी नॉर्थ ईस्ट। आई होप कि जो है आपको समझ में आया होगा कि मणिपुर इन सेवन सिस्टर्स में से एक है, और नॉर्थ ईस्ट हम किस डायरेक्शन को बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हमारा मणिपुर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप लोगों में से हो सकता है किसी ने देखा हो, और नहीं देखा है तो आप नॉर्थ ईस्ट जरूर जाएं। इसको मैं रब कर देता हूं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट लैंग्वेज डू द पीपल ऑफ मणिपुर स्पीक, असमीज, मैथलोन या मिजो। तो असमीज तो चलती है असम में, मिजो चलती है नागालैंड में, तो ये बच गया क्या, मैथलोन। तो दिस विल बी द राइट आंसर, क्यों, क्योंकि असमीज चलती है कहां, ये चलती है असम में, और मिजो चलती है आपकी मिजोरम में, मिजोरम में, मिजो चलती है मिजोरम में, तो मणिपुर में चलती है मैथलोन, राइट। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु डू यू थिंक शुड हैव बीन मेड द फ्यूचर किंग, आपको क्या लगता है कि फ्यूचर किंग किसको बनाया जाना चाहिए, सना जयोबा जो पहला बेटा था सबसे बड़ा एल्डर सन, जिसने कि जंप किया था पेड़ को जो है फाड़ करके, मतलब वो जंप थ्रू द ट्री, पहले उसने बनियन ट्री को फाड़ दिया और उसके बीचों बीच अपना घोड़े को कुदा दिया, सना जयोबा, क्या उसको बनाया जाना चाहिए, या दूसरा था सनाईमा जिसने कि जंप करा था बनियन ट्री के ऊपर से, इतना बड़ा बनियन ट्री था उसके ऊपर से घोड़े को कुदा दिया था। तीसरा बेटा था सनाटोम्बा जिसने पूरे पेड़ को ही बनियन ट्री को उखाड़ करके अपरूट करके अपने किंग जो उसका फादर थे और मदर यानी जो क्वीन थी उनके चरणों में रख दिया था उसको, क्या उसको किसको बनाया जाना चाहिए आपके हिसाब से, एंड व्हाई डू यू थिंक सो, आप क्यों सोचते हैं कि इन तीनों में से या किसी और को बनाया जाना चाहिए, आप उसके पीछे रीजन लिखेंगे, कारण लिखेंगे, हु वॉज मेड द फ्यूचर क्वीन एंड वाई, फ्यूचर क्वीन किसको बनाया गया, तो फ्यूचर क्वीन बनाया गया सना टोम्बी को, और क्यों बनाया गया, क्यों बनाया गया, जो उनकी सिस्टर थी
इन तीनों को नहीं बनाया गया किंग के द्वारा, उनकी सिस्टर सनतोम्बी को बनवाया गया या बनाया गया, बिकॉज सनतोम्बी बिकॉज शी वॉज काइंड हार्टेड, वो दयालु थी, कृपालु थी, समझती थी लोगों के भावों को, तो उसने जो है पेड़ को भी बचाया, राइट। तो इसलिए बात भी सही है, हमें दूसरे की करुणा को समझना भी आना चाहिए अगर हम कमांड करते हैं तो। केवल हम बलशाली हैं लेकिन हम दूसरे की प्रॉब्लम को नहीं समझते हैं, और अगर ऐसे को किंग बना देंगे, रूलर बना देंगे, तो वो तो फिर निरंकुश हो जाएगा, है ना। तो एक राजा को शौर्य के साथ साथ दयालु भी होना चाहिए, जो कि सनातोम्बी जो उनकी सिस्टर थी उसमें वो गुण थे। वर्ल्ड बिल्डिंग, से अलाउड द फॉलोइंग नेम्स इन योर मदर टंग इन मणिपुरी, निंगथो, लीमा, मियम एंड कोंगनैंग। ये मणिपुरी नेम्स हैं, थोड़े से अजीब लगेंगे आपको। निंगथो का मतलब है किंग यानी राजा, लीमा यानी क्वीन, मियम का मतलब होता प्रजा, पीपल, पीओ पीएलई, पीपल यानी प्रजा, जो लोग थे जिनको रूल करते थे निंगथो एंड लीमा, एंड कोंगनैंग था आपका बनियन ट्री। क्या था ये? बनियन ट्री था, बनियन ट्री यानी बरगद का पेड़। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर टू, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग इन इंग्लिश। थुंगी निंगथू, थुंगी निंगथू का मतलब है यहाँ पे फ्यूचर किंग, जो लड़की को बनाया गया था जिसका नाम क्या था? सनतोम्बी। तो थुंगी निंगथू का मतलब हो जाएगा क्या? फ्यूचर किंग, फ्यूचर, एफ यू टी यू आर ई, फ्यूचर किंग, फ्यूचर किंग यानी भविष्य का राजा थुंगी निंगथू। थोरो, थोरो का मतलब ब्रावो, ब्रावो यानी बहुत ही बढ़िया, ब्रावो शक्तिशाली। फजेई, फजेई का मतलब है वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल यानी बहुत ही बेहतरीन, वंडरफुल, वंडरफुल, वंडरफुल। ये है आपका जो निशान है, ये वाला या ये वाले जो निशान है यहाँ पे, इसमें नीचे एक डॉट भी है, दीज आर, इनको हम हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोधक, है ना। तो ये इंटरजेक्शंस होते हैं, तो ब्रावो ब्रावो या वंडरफुल वंडरफुल, फजेई फजेई का मतलब, और थारो थारो का ब्रावो ब्रावो। नाउ शगोल थोम्बा नूपा, इसका मतलब है कि कितना बढ़िया घुड़सवार, यानी सच ए फाइन हॉर्स मैन, सच अ फाइन हॉर्समैन या राइडर, हॉर्समैन या राइडर, RIDER, राइडर का मतलब घुड़सवार। राइडर देखिए तीन चीजों, किस किस को बोलते हैं, जो घोड़े में बैठते हैं उसको भी राइडर बोलते हैं, जो साइकिल चलाते हैं उसको भी राइडर बोलते हैं, और राइडर किसको बोलते हैं, जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं उनको भी राइडर बोलते हैं, लेकिन जो कार चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। जो प्लेन चलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? पायलट। ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स चलाने वाले को राइडर बोलते हैं, और जो हॉर्स में बैठ के प्रोफेशनल रेसेस करते हैं उनको बोलते हैं जॉकी। जॉकी भी एक नाम है जो आपने सुना होगा, जॉकी एक कंपनी का नाम भी है। नाउ द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज फन विद साउंड वर्ड्स, सम इंटरेस्टिंग वर्ड्स sound like the noises for which they stand। कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि जैसा एक्सप्रेशन होता है उसी तरीके से उनको बोला जाता है। तो नॉइज का मतलब होता है आवाज, which they stand, जिसके लिए वो स्टैंड करते हैं, है ना। खास करके हमारे जो इंटरजेक्शंस हैं कि आवाज हम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि जो है एक्सप्रेशन होते हैं, और हम कई बार ऐसे बोलते हैं जैसे क्लिक ऑफ कैमरा, तो कैमरा क्लिक करता है, तो आवाज बोल देते हैं हम कि क्लिक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं
वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. यू यूज अ डिफरेंट टोन ऑफ वॉइस व्हेन यू से दीज वर्ड्स. तो हम लोग क्या करते हैं, टोन बदल देते हैं आवाज की जब हम इन शब्दों को बोलते हैं. द वॉइस बिकम्स लाउडर एंड मोर फोर्सफुल. और कई बार आवाज को हमें ज्यादा जोर से भी बोलना पड़ता है, लाउडर, लाउड यानी जोर से भी बोलना पड़ता है, और फोर्सफुल ज्यादा जान लगा के बोलना पड़ता है ना. कोई चीज आपको कहना नहीं तो आपके कहने पे भी जो है कोई नहीं मान रहा, तो आप जोर से कहते हैं नहीं चाहिए मुझे इस तरीके से, ताकि मतलब आप फोर्सफुली कह रहे हैं कि आपको नहीं चाहिए भाई. तो द सेम काइंड ऑफ थिंग, सम एग्जांपल्स आर हियर. जूम वेंट द कार, जूम वेंट द कार, यानी कि कार इतनी फास्ट गई कि आवाज सुनाई दी जूम और कार गायब हो गई, है ना, साउंड है जूम. बैंग वेंट द डोर, जो दरवाजे को इतनी जोर से धक्का मार के बंद किया कि आवाज आई बैंग. ओके, तो बैंग यहां पे है. देन पिप पॉप फ्लिप पैटी फ्लॉप. तो कई बार हम ये शब्द भी बोलते हैं, पिप पॉप फ्लिप पैटी फ्लॉप. ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं. से द फॉलोइंग And writes what would make these sounds or actions. कि इन शब्दों को बोलना है आपने और ये बताना है कि ये sounds या actions कहाँ use होते हैं. जैसे click, click कहाँ use होता है, कैमरे के लिए, CAMERA, कैमरे के लिए हम बोलते हैं click. Then chirp, chirp होता है bird का, चिड़िया करती है chirping, bird है ना, bird sound है. Whisper यानी low voice में बात करना, तो टॉकिंग इन अ लो वॉइस, टॉकिंग यानी बात करना, टॉकिंग इन अ लो वॉइस, धीमी आवाज में बात करना. ब्रावो, ये जब आपने कहा कि किसी ने अच्छा किया तो वेल डन, जब अच्छा किया तो वेल डन के लिए हम ब्रावो बोल देते हैं. ओ, ये सरप्राइज या पेन के लिए, सरप्राइज यानी आश्चर्यचकित, या पेन यानी दुख के लिए हम कई बार ओह बोल देते हैं. आह, ये किसके लिए बोलते हैं हम, आह व्हाट ए फाइन पिक्चर. तो आह जो है इट इज टू एक्सप्रेस प्लेजर, प्लेजर के लिए भी हो सकता है. और आह समटाइम्स पेन के लिए भी हम ऐसे साउंड कई बार निकाल देते हैं, वैसे पेन के लिए कम और प्लेजर के लिए ज्यादा करते हैं जब हम खुश होते हैं. आह What a fine shot, है ना? Then hurray और hurrah, ये happiness के लिए, yeah, when you feel very happy. Alas, ये होता है sadness के लिए, alas, बड़ा आपको दुख है. Wonderful, ये pleasure के लिए इस्तेमाल होता है. Hi, हम करते हैं when we greet someone for greeting. Ho karte hain hum to attract someone's attention, attention ke liye. Hop away, hop away hum kab use karte hain, hop hop away, jab ye sound produce hoti hai jab hum jump karte hain, to at the time of jumping, at the time of jumping. तब हम क्या करते हैं, आवाज करते हैं, hop away. Now language use. Read the lesson carefully and put a circle around all the action words with at the end. Then write them in one ed. ed जो verb के last में ed लगाना है, column and their present form इन अनदर. तो ये कॉलम दे के रखा हुआ है, तो एक में जो है हमारा फर्स्ट फॉर्म है और एक में ईडी लगा हुआ है. तो वन इज डन फॉर यू, एक आपके लिए किया भी हुआ है. ये एडमिट है यहाँ पे लिखा हुआ, और एडमिटेड, एडमिट करना कहीं पर किसी को. तो इसी तरीके से हमने ये एक्सरसाइज करनी है. तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग और क्या शब्द बना सकते हैं, हम कर सकते हैं कहीं पे, मतलब रुके, स्टॉप,
तो स्टॉप का क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड, STOPPED, स्टॉप्ड, रुकना। रीच माने पहुंचना, REACH, रीच माने पहुंचना, तो इसमें ईडी लगा के क्या हो जाएगा, रीच्ड, REACHED, रीच्ड। एंड सपोज आप कोई चीज का अर्ज है आपको, तो आपने बोला कि मुझे ये करना है, अर्ज का क्या हो जाएगा, ईडी लगा के अर्ज्ड, अर्ज्ड। सो इन दिस वे दिस एक्सरसाइज विल बी डन बाय यूजिंग ईडी, ईडी लगाया हमने और इन शब्दों का ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये हमारा ईडी लगा के पास्ट फॉर्म हो गया और पास्ट पार्टिसिपल भी कई वर्ब्स का ऐसे ही बन जाता है, जैसे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रीच 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 एंड अर्ज अर्ज्ड अर्ज्ड, तो इनके पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स वर्ब की सेम है ईडी लगा करके। नाउ फिल इन द करेक्ट वर्ड इन द ब्लैंक्स एंड कंप्लीट द स्टोरी। एक स्टोरी देके रखी हुई है आपने, इसमें ये तीन ऑप्शन है हमारे पास, जैसे यहाँ पे लिव लिव्स लिव्ड है, ये वर्ब की फॉर्म है, हमें बताना है कि कौन सा सही रहेगा। अब क्योंकि स्टोरी है तो ये पास्ट में होगा, पास्ट की फॉर्म हमारी कौन सी होगी, तो यानी पास्ट की फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म लगाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, प्लीज बी विद मी। इन अ फॉरेस्ट देयर लिव लिव्स या लिव्ड, तो क्या ऑप्शन होगा, लिव्ड, सीधा सीधा क्या हो जाएगा, लिव्ड, राइट। तो मैं अब आगे क्या सही उस पर गोला घुमाऊंगा, आई विल एनसर्कल द राइट ऑप्शन जो कि सेकंड फॉर्म है, राइट, पास्ट फॉर्म यानी, एंड वी विल गेट आवर स्टोरी। तो इन अ फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ गॉब्लिन, गॉब्लिन एक छोटा सा और बदमाश टाइप का जो लोगों को परेशान करने वाला है ना, गॉब्लिन बोलते हैं, तो गॉब्लिन था जिसका नाम था क्रूअल, क्या नाम था उसका, क्रूअल, क्रूर था यानी। तो वन डे ही मीट मैट मीट्स, तो ही मैट वो मिलता है एन ओल्ड मैन, एक बुढ़े आदमी को, वैंडरिंग इन द फॉरेस्ट, जो कि फॉरेस्ट में घूम रहा था। इमीडिएटली क्रूअल यानी कि जो गॉब्लिन था, लीप लीव्स लेफ्ट यानी यहाँ पे हो जाएगा सेकंड फॉर्म लेफ्ट, ऑन टू द ओल्ड मैन्स शोल्डर्स एंड ऑर्डर, ऑर्डर्स या ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड हिम, लेट्स गो, मूव फास्ट। द फ्राइटेंड ओल्ड मैन ओबे, ओबेज या ओबेड, तो ओबेड यानी कहना मानना, पास्ट फॉर्म, तो ओबेड द नेस्टी गॉब्लिन एंड वॉक, वॉक्स या वॉक्ड, तो वॉक्ड ऑन एज दे मूव, मूव्स या मूव्ड, तो मूव्ड ऑन, ही नोटिस, नोटिसेस या नोटिस्ड, तो ये सेकंड फॉर्म है, नोटिस ईडी वाली, नोटिस्ड That the goblin's feet were very tender. उसके feet कैसे थे? Tender थे. The old man asked ये asked, ED वाली form लगेगी हमारी, past form, asked cruel, Sir, how are your feet so soft? इतने soft कैसे हैं, इतने कोमल कैसे, इतने tender कैसे हैं आपके पाँव, and tender, soft and tender कैसे हैं, तो cruel रिप्लाई, रिप्लाई से रिप्लाइड, तो ईडी वाली फॉर्म, रिप्लाइड, रिप्लाई किया उसने, रिप्लाइड, आई हैव टेकन ए वो दैट आई विल नॉट टच द ग्राउंड, मैंने एक कसम खा रखी है, वो का मतलब होता है कसम खाना, मैंने कसम खा रखी कि मैं ग्राउंड को अपने पाओ से नहीं छूंगा, टिल आई वॉश देम, जब तक कि मैं उनको वॉश नहीं कर देता, दे सून कम कम्स या कैम, तो सेकंड फॉर्म कैम, टू अ पूल, एक पूल पे आ जाते हैं वो, द गॉबलिन इंस्ट्रक्ट, इंस्ट्रक्ट या इंस्ट्रक्टेड, तो इंस्ट्रक्टेड ईडी वाली फॉर्म, इंस्ट्रक्टेड द ओल्ड मैन, बुढ़े आदमी को गॉबलिन इंस्ट्रक्ट करता है, टू वेट फॉर हिम, उसके लिए इंतजार करे, वाइल ही एंटर, एंटर्स या एंटर्ड, वो एंटर कर रहा है, एंटर्स करेगा या एंटर्ड, तो एंटर्ड द पूल, द ओल्ड मैन थिंक, थिंक्स या थॉट, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा थॉट टू हिमसेल्फ, नाउ डैट द गॉब्लिन हैज वट हिज फीट ही डज नॉट नीड मी, कि अब जो है गॉब्लिन ने अपने पांव धो लिए हैं, तो अब वो मेरे को, मेरी जरूरत नहीं है उसको, लेट मी रन फॉर माई लाइफ,
मैं अब भाग जाऊं, अपनी जिंदगी बचाऊं, एंड ही विल श्योरली ईट मी अप, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा. सो ही रैन ऑफ, इसलिए वो भाग गया. मेक ए लिस्ट ऑफ द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम दिस स्टोरी. यहाँ पे आप देखिए कि जो इरेगुलर वर्ब्स हैं और जो ये एक्शन वर्ड्स हैं, तो देखिए जहां पे एक्शन वर्ड्स हैं ईडी वाले, तो ये हैं लिव, लिव्ड हो गए. इरेगुलर वर्ब्स हैं मीट का, मेट हो गया. ऐसे कितने जो हैं वर्ब्स यूज हुए हैं जरा देखते हैं. तो ईडी वाले देखते हैं, जैसे ऑर्डर था, ऑर्डर, ऑर्डर का हो गया ऑर्डर्ड, ordered. obey यानी कि कहना मानना, obey का obeyed. walk का, walk यानी चलना, walk का walked. notice का, notice किया, notice का noticed, है ना. ये इस तरीके से बहुत सारे ed वाले verbs हैं. और हमारे जो इरेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं, जैसे मीट का मैट हो गया, इसमें ईडी नहीं लगा, तो लीप का, एल ई ए पी, लीप का क्या बन गया था, लेफ्ट, एल ई ए पी टी, लेफ्ट. कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया, पास्ट फॉर्म. थिंक का थॉट हो गया. एंटर, तो एंटर का ईडी हो जाएगा, एंटर तो एंटर नहीं होगा. रिप्लाई, रिप्लाई था, रिप्लाई, रिप्लाई यानी जवाब देना, रिप्लाई का हो गया रिप्लाइड, आर ई पी एल आई ई डी, रिप्लाइड. इनमें, इन वर्ब्स में देखिए ईडी नहीं आया है, और इनमें सब में क्या आ रहा है, ईडी लगा करके काम चल रहा है, और इनमें ईडी नहीं आ रहा है ना. इनमें लेफ्ट हो गया, कम का केम हो गया, थिंक का थॉट हो गया, रिप्लाई का रिप्लाइड हो गया. ये इसलिए जो है इररेगुलर एक्शन वर्ड्स हैं. नाउ द होमवर्क फॉर यू, फाइंड आउट स्टोरीज अबाउट अदर ग्रेट पीपल्स लाइफ्स. ऐसी स्टोरीज देखिए जो कि ग्रेट लोग हैं, महान लोग हैं, उनकी जिंदगी के ऊपर, एंड देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन में वो क्या करते थे, एंड राइट दीज इन योर नोटबुक, और अपने नोटबुक में लिखेंगे आप. कलेक्ट एटलीस्ट टू सच स्टोरीज एंड शेयर देम विद योर फ्रेंड्स. ऐसी दो स्टोरीज को कलेक्ट करके अपने दोस्तों को भी बताएं कि महान लोग अपने बचपन में क्या करते थे, उन्होंने क्या क्या किया, है ना, और उनकी महानता किस तरीके से रही. तो आप जो हैं, जो फेमस साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक, रिलीजियस पीपल हैं, धार्मिक लोग, फ्रीडम फाइटर्स हैं, स्वतंत्रता सेनानी, ब्रेव चिल्ड्रन हैं, बहादुर बच्चे, एस्ट्रोनॉट्स हैं जैसे कल्पना चावला जैसे जो अंतरिक्ष में गए, अंतरिक्ष यात्री, और आर्टिस्ट्स यानी कलाकार. इनमें से कोई भी आप, प्लेयर्स का भी ले सकते हैं, कोई भी जो है जो आप आपको लगता है कि आप महान हैं, तो आप जो है उनको ही स्टोरी बनाइए और उसको लिखिए, है ना. सो दिस इज फॉर द होमवर्क. सो द पॉइंट्स व्हिच वी डिस्कस इन दिस चैप्टर आर प्रैक्टिसेस एंड क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक, एंड डिफिकल्ट वर्ड्स जहां पे भी थे, तो वी ट्राई टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ देम. So my dear children, this was the question answers and exercises of unit 10, who will be Ningthu. This is the last chapter of your textbook. So I hope that you might have enjoyed these exercises and keep on watching them to understand better. If you don't understand one thing, so you could just keep on watching them again and again, and you will find that the things are easy. So that's all from my side. Thank you very much.